तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग पैसे की किल्लत से कर्ज में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। यहाँ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड की आखिर हमें ज़रूरत क्यों होती है। सभी के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, आप लोगों को इमरजेंसी फंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को कितना इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी, आप लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वेस्टर्स किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितना इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है। फिर वीडियो के आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड्स के लिए आप लोगों के सामने किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। फिर हम लोग फाइनल कॉल करेंगे कि हमें आखिर किस तरह का एक्शन लेना चाहिए अगर हम लोग इमरजेंसी फंड की तरफ जा रहे हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और इमरजेंसी फंड की तरफ नहीं देखते हैं तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट और गोल एक ना एक दिन वो खत्म हो जाना है। वो सही तरीके से कभी भी सही समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में एक अच्छी एनालिसिस, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जरूर बनाना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि और वीडियोज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी, जिस तरह से कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ये आप लोगों के इमरजेंसी में काम आते हैं। जो आप लोगों की तुरंत जरूरतें होती हैं उनमें ये फंड्स काम आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स काम आते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरतें कई तरीके की हो सकती हैं। ये जरूरतें हो सकती हैं आप लोगों की हेल्थ इमरजेंसी की, ये जरूरतें हो सकती हैं आप लोगों के इंस्टेंट मनी नीड की, आप लोगों को किसी को पैसा देना है, या फिर ये जरूरत हो सकती है दोस्तों आप लोगों की जॉब चली गई हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों का इमरजेंसी फंड क्रिएट करता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये चीजें तो हमें पता है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत कैसे है, किस तरह से हमारे ये इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्ट डाल सकता है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर कहीं से भी आप लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग आ रही है और अचानक से वो बंद हो जाए तो क्या होगा। आप लोगों के ऊपर जो भी ईएमआईस पड़ रही हैं, जो भी आप लोगों से पैसा महीने का खर्चा हो रहा था उस सोर्स ऑफ इनकम से, अब आप लोग उसको कहां से पाएंगे अगर आप लोगों ने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया है। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, अब जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने लेकर के गए हैं, जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोच रखा है, अब उनमें से आप लोग पैसा निकालने लगेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आप लोगों का गोल है 10 सालों बाद, 20 सालों बाद रिटायरमेंट का, या फिर किसी भी तरह का आप लोगों ने एक लॉन्ग टर्म का गोल बना रखा है 5 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वहां पे वो आप लोगों का गोल धरा का धरा रह जाएगा। फिर से आप लोगों को इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आप लोग दोबारा से 5 साल आगे जाएंगे, यानी कि आप लोगों का प्रेजेंट जो 2 साल भी आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, फिर से आप लोगों को आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, वो है कि आप लोग कर्ज में ना दबें। अब अगर आप लोगों के पास कहीं से भी सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो गई है, या फिर अगर आप लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग चालू भी है, अचानक से आप लोगों के ऊपर हेल्थ इमरजेंसी आ गई, अचानक से आप लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई भी सेविंग नहीं होगी, जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट है उसको भी नहीं छूना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि आप लोग किसी से पैसे उधार लें, आप लोग किसी से पैसे कर्ज पर लें या फिर लोन लें, ठीक है, यही एक ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है। अगर आप लोगों की जॉब है भी, अगर आप लोगों की प्रेजेंट अर्निंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर इंस्टेंट आप लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, यानी कि कोई भी नीड हो सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, इंस्टेंट मनी की ज़रूरत हो सकती है, आप लोगों से कोई बहुत ज़रूरी पैसे उधार मांग रहे हो, या फिर किसी फैमिली मेम्बर में आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना हो, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग के पास पैसे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग कर्ज लेने जाएंगे। तो इन इन सारी चीज़ों से आप लोग इमरजेंसी फंड से बच सकते हैं। इस तरह की क्राइसिस जो आप लोगों के ऊपर आएंगी, इस तरह की जो विपत्ति आएगी आप लोगों के ऊपर, वो इमरजेंसी फंड ही आप लोगों का बचा सकता है। ये तो रही बात दोस्तों कि हम किस तरह से इमरजेंसी फंड्स की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, इमरजेंसी फंड्स हमारे लिए क्रिएट करना क्यों जरूरी है। अब ये सुनिए दोस्तों कि किन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है।
दोस्तों उन लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम किसी सोर्स से जुड़ी हुई है। किसी सोर्स से यानी कि अगर वो प्राइवेट जॉब में है, खास करके प्राइवेट जॉब वालों को अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। ठीक है, मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों को कितना इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों कि अगर आप लोगों की जॉब चली गई तो आप लोगों की इमरजेंसी फंड काफी मदद करता है। आप लोगों की जो भी मंथली सैलरी आ रही है वो रुक जाएगी, तो आप लोगों की जो भी महीने की ईएमआई बन रही है, आप लोगों ने कार खरीद रखी है, होम लोन ले रखा है, तो उसकी महीने की ईएमआई जा रही होगी। आप लोगों के बेसिक खर्चे भी होंगे जो आप लोग महीने की सैलरी से करते हैं, आप लोग अपना घर परिवार चला रहे होंगे, तो आप लोगों की अगर जॉब गई हुई है, अगर आप कहीं से फायर्ड हुए हैं, अगर आप लोगों ने खुद से जॉब छोड़ी हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा समय तो लगेगा दूसरी जॉब ढूंढने में या फिर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम निकालने में। तो ये इमरजेंसी फंड आप लोगों के लिए काफी मददगार होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि आखिर आप लोगों को कितना इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, कितना हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। सिंपल और सीधी सी बात है कि आप लोगों का कितना में चल जाने वाला है। हर पर्सन की अलग अलग नीड होती है, हर पर्सन की अलग अलग सोच होती है, हर पर्सन की अलग अलग जरूरतें होती हैं। इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कीजिए कि अगर आप पर्टिकुलर कहीं जॉब कर रहे हैं, आप लोगों की 50,000 के महीने की सैलरी है, 10,000 महीने की सैलरी है, 20,000 महीने की सैलरी है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप लोगों की जो भी सैलरी है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जितना भी सैलरी आ रही है, उससे आप लोग अपने महीने का खर्च चला पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लोन्स ले रखे हैं, कर्ज ले रखे हैं, उसकी ईएमआई आप लोग चुका पा रहे हैं, आप लोग अपने घर का खर्च, अपना घर चला पा रहे हैं, आप लोग उसमें मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम दोस्तों उतने तक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए जितना आप लोगों का 3 से 4 महीने चल जाए। ठीक है, मिनिमम आप लोग 3 महीने का इमरजेंसी फंड अपने लिए क्रिएट करके रख लीजिए। अगर आप लोग 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर हम कहीं दूसरी जगह स्विच करके जा रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, तो हमें दूसरी नौकरी पाने में 1 से 2 महीने लगने वाले हैं, या फिर यहाँ पे 6 महीने लग सकते हैं, या फिर 1 साल लग सकते हैं, तो आप लोग उनके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए अपनी सैलरी के आधार पे। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे तो अपनी सैलरी में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना आप लोगों को सबसे पहले सेव करके रखना है कि इतना हमें कभी भी इंस्टेंट जरूरत पड़ी तो हम वहां से अपना पैसा निकाल सकें। दूसरे दोस्तों बिजनेसमैन की बात करते हैं, ये तो जॉब प्रोफाइल वालों की बात हो गई। बिजनेसमैन इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करेंगे, उनको भी यही ध्यान रखना है कि अगर उनको लॉस हो रहा है, अगर उन्होंने कहीं से लोन ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले 1 सालों तक आप लोगों का बिजनेस उस इमरजेंसी फंड पे आराम से चल जाए। ठीक है, उस इमरजेंसी फंड से ही आप लोगों का चले, आप लोगों को उसके लोन्स या फिर बिजनेस को चलाने के लिए कहीं और से आप लोगों को उधार ना लेना पड़े। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है कि आप लोग अपने ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को ये शुरुआत में ही बताया कि इमरजेंसी फंड आप लोगों की जरूरतों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोगों को एक्चुअल में कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा फैक्टर जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों की हेल्थ इमरजेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेल्थ इमरजेंसी के लिए आप लोग पैसे जरूर इमरजेंसी फंड में कलेक्ट करके रखें, वरना आप लोगों की पूरी सेविंग जीरो हो जाएगी, आप लोग नेगेटिव में भी चले जाएंगे। ठीक है, ये चीजें मैं झेल चुका हूं दोस्तों। थोड़ी सी भी हेल्थ इमरजेंसी आप लोगों की लाखों के बिल बैठा सकती है, तो आप लोग कुछ ऐसे हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो भी आप लोगों के इमरजेंसी फंड हो उनको क्रिएट करके रखिए। मैं आप लोग को आगे बताता हूँ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्थ इमरजेंसी कई तरीके हो सकती हैं, इंस्टेंट एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक इलनेस पड़ गया, आप लोग अपने लिए एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले लें। ठीक है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहते हैं तो आप लोग लाइफ इंश्योरेंस भी ले लें। मैं कहूँगा कि आप लोग टर्म इंश्योरेंस ही लें, आप लोगों के हर तरीके के लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध है, हर तरीके के एक्सीडेंट इंश्योरेंस उपलब्ध है, तो आप लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो आपके ऊपर हेल्थ इमरजेंसी आने वाली है उसकी आप लोग पहले इंश्योरेंस करा लें। दूसरे दोस्तों आप लोग कुछ फैमिली मेंबर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस को, जो कि आप लोगों को लगता है कि आने वाली बीमारियों से जूझ सकते हैं ये लोग, तो हेल्थ पे आप लोग जरूर देखिएगा। तो फाइनली बात आती है दोस्तों कि आखिर हम कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो देखिए दोस्तों इमरजेंसी फंड में सबसे आप लोगों का बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप लोगों का सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में दोस्तों आप लोग अपने महीने की 4 महीने की सैलरी जो है वो रखे रहें। ठीक है, 4 महीने की सैलरी के बराबर अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखे रहें जो आप लोगों को रखना है। बाकी दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास आता है फिक्स डिपॉजिट का।
आप लोग हर महीने के कुछ सेविंग में से निकाल करके फिक्स डिपॉजिट करा दें उन पैसों के 6 महीने के लिए, जितना शॉर्ट टर्म हो सके आप लोगों के लिए, उसको हमेशा रिन्यू पे लगा दें, ठीक है, कि आप लोगों का जब भी पैसा मिच्योर हो तो वो रिन्यू हो जाए, ठीक है, तो उस पे लगा देंगे तो आप लोगों का कभी ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों का मिच्योर हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें उसे दोबारा से रिन्यू करना है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन कम से कम 3 महीने की या फिर 4 महीने की, जितनी भी आप लोगों की सहूलियत हो, जितना आप लोगों को लगता है कि हमें इतने की इंस्टेंट कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उनको आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखें, उसमें आप लोगों को 3 से 4% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अगर 3 महीने 6 महीने, तो यहाँ पे भी आप लोग मान सकते हैं कि 5 से लेकर के 7-8%, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का अकाउंट किस बैंक में है और किस में आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स करा रहे हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का दूसरा आप लोगों का इमरजेंसी फंड हुआ, जो कि आप लोग एक दिन में अपना पैसा निकाल सकते हैं अगर ऑनलाइन बैंकिंग से फिक्स डिपॉजिट आप लोगों ने करवाया है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को म्यूचुअल फंड में मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप लोग लिक्विड फंड्स को देख सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड देख सकते हैं, ओवरनाइट फंड्स हैं, ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो कि आप लोगों का एक दिन में पैसा रिडेम करके आप लोगों के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, डीमेट अकाउंट में जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों के सेविंग अकाउंट में पैसा रिडेम हो जाता है। तो ये है दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आप लोग अपने जो भी इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं उनमें आप लोग डाल सकते हैं। तो फाइनल कॉल क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो लोग जॉब प्रोफाइल के लोग हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, खास करके प्राइवेट जॉब, क्योंकि उनकी जॉब जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो लोग अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करें सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट चीज की आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में जो भी आप लोगों की महीने की सैलरी है उसका 3 से 4 गुना अमाउंट हमेशा सेव करके रखें, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा लें और उसको हमेशा ऑटो रेन्यू पे डालें कि जब भी वो मिच्योर हो तो दोबारा से आने वाले टेनर्स के लिए वो आगे रेन्यू हो जाए। नेक्स्ट चीज की आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो भी हो म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी झुकाएं, जो इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को इन दोनों से बेहतर जो रिटर्न मिलेगा वो म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा, तो वो आप लोगों का एक इमरजेंसी फंड्स की तरह भी काम करेंगे और रिटर्न भी अच्छा निकाल करके देंगे। तो ये है दोस्तों पूरा इमरजेंसी फंड का ब्यौरा जो आप लोगों को ध्यान रखना है और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों कि किस तरह से ये आप लोगों को इफेक्ट डालती है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो या फिर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग अपने टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग वो भी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।